2018 में हुए विधानसभा चुनाव में गंगापुर सिटी से रामकेश मीणा का टिकट काट दिया गया था। तब उन्होंने इसकी वजह सचिन पायलट को बताया था। मीणा ने निर्दलीय ताल ठोकी और जीत भी गए। चुनाव नतीजे पूरे भी नहीं आए थे कि रामकेश मीणा सबसे पहले मीडिया के सामने बोले थे कि हमारे नेता तो अशोक गहलोत ही है, वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान कांग्रेस में दो नियुक्तियां की। पार्टी ने जयपुर की आदेश नगर विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बने रफीक खान को चीफ व्हिप और गंगापुर सिटी से विधायक रामकेश मीणा को विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनाया। राजस्थान में इस साल के आखिर में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन 5 सीटों में से 3 सीटें दौसा, खींवसर और चौरासी पर आदिवासी मतदाता बहुमत में है, तो 2 सीटें खींवसर और झुंझुनू में मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी तादाद में है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों ने इन नियुक्तियों का विश्लेषण उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की नीति के हिसाब से किया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। रफीक खान और रामकेश मीणा दोनों अशोक गहलोत गुट के माने जाते हैं। 2020 में जब सचिन पायलट ने कथित तौर पर बगावत की थी, तब गहलोत के पक्ष में खान का किरदार काफी अहम था, जबकि रामकेश मीणा तो कई बार सचिन पायलट के खिलाफ खुलेआम बयान दे चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा तो पहले से प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन हार के बाद भी टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और अब ये 2 नियुक्तियां। इन सब नियुक्तियों से ये कहना मुश्किल नहीं है कि अभी राजस्थान की कांग्रेस में अशोक गहलोत की ही चल रही है। गहलोत सिलेबस की वजह से बिस्तर पर है, उनका इलाज चल रहा है, जबकि सचिन पायलट घूम घूम कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी मीडिया। शुक्रिया।